नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर हरदोई से, जहां पर हरदोई जिले में 10 लोगों पर हुई जिला बदर की कार्रवाई। जिला प्रशासन ने जिला बदर होने वाले लोगों की यह सूची जारी की है। अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 6 महीने के लिए जिला बदर किया है और कई प्रकार के आपराधिक कार्यों में शामिल लोगों पर यह कार्रवाई की गई है। तो 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है कई लोगों पर, कई प्रकार के आपराधिक काम जिसमें ये लोग शामिल थे और उसी बिना पर कार्रवाई की गई है। 10 लोग जिला बदर किए गए हैं हरदोई में। तो ये सूची जिला प्रशासन ने जारी की है कि किन किन लोगों को जिला बदर किया गया है। 6 महीने के लिए इन 10 लोगों को जिला बदर किया गया है और जो कि कई प्रकार के आपराधिक कार्यों में, गतिविधियों में लिप्त थे। और यूपी पंचायत चुनाव को देखते हुए कोरोना के मामले ज्यादा न बढ़ सके, इसको लेकर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने यूपी के सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 अप्रैल से धारा 144 प्रभावी हो गई, जो कि अगले आदेश तक लागू रहेगी। पंचायत चुनाव में होने वाले प्रचार में 5 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न होने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2021 में होने वाले प्रचार को देखते हुए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर निर्देशित किया है। कोरोना के मद्देनजर आपको बता दें, गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा अगर किसी भी समारोह में 100 से ज्यादा लोग पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो पंचायत चुनाव को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए हैं और अपर मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी भी किया है और इसके अलावा कोरोना गाइडलाइंस क्या क्या रहेंगी उसकी जानकारी दी गई है। और यूपी में कोरोना का बढ़ता प्रकोप अब लोगों की चिंता बढ़ाता जा रहा है। अयोध्या के मानस भवन में आयोजित उद्योग व्यापार मंडल की प्रांतीय कार्य समिति के शपथ ग्रहण समारोह में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी है। यहां बिना मास्क के बड़ी संख्या में कई जिलों के व्यापारी शामिल हुए हैं। यहां लगभग 221 पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में खुद यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं इसी दौरान बृजेश पाठक ने कहा है कि कोरोना महामारी बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सभी जिला अस्पताल, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी, टीकाकरण अभियान तेज किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश अयोध्या में आप देखिए, कोरोना नियमों की धज्जियां आपको अक्सर ऐसे उड़ती हुई नजर आएगी। लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी। यह अयोध्या की तस्वीर है। कोरोना महामारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, जिलाधिकारियों को, पुलिस कप्तानों को जो कोविड-19 के नियम हैं उनको पालन करने के लिए कहा है और इसके अलावा बेड्स की संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं। हर चीज़ निपटने के लिए तैयार हैं। टीकाकरण बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता, राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में मरीज निकल रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग वहाँ आते हैं। हमने और तेज़ी के साथ जाँच बढ़ाया है और बेड्स की भी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। और हापुड़ में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन पर सवालिया निशान लग रहे हैं। दरअसल यहां पर एक हापुड़ अपर जिलाधिकारी ने 2 बार कोरोना वैक्सीन लगने के बावजूद भी वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बुखार और गले में दर्द की शिकायत, कोरोना टेस्ट कराया तो पॉजिटिव निकले, जबकि एडीएम जयनाथ यादव को 2 बार कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बावजूद इसके वो रविवार को फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद स्वास्थ्य टीम ने उन्हें आइसोलेट कर दिया है। डीएम अनुज सिंह ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल डीएम ने कलेक्ट्रेट को बंद करा दिया है और सवाल अब ये उठ रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगी और उसके बावजूद भी बार बार पॉजिटिव आना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है वैक्सीनेशन पर।
अमजद खान हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर हापुड़ से जुड़े। अमजद, ये क्या मामला है पूरा, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद हालांकि एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि कोई ऐसी गारंटी नहीं कि कोरोना नहीं होगा, आपको सावधानी सतर्कता बरतनी होगी, लेकिन ये क्या मामला है? जो कोरोना वैक्सीन की जो है बराबर जो है वैक्सीनेशन चल रही है, कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ जो है निशाना बना रहे हैं कि इस तरीके से जो है लोग कोरोना की जो वैक्सीन लगा रहे हैं उसके बावजूद भी जो है उन्हें जो है दोबारा से चेकअप में पॉजिटिव आ जाते हैं। और लोगों में ये भी एक खौफ सा बनता जा रहा है कि जो है कि बुखार लगातार उतरता नहीं है और जो है फिर दो डोज लेने के बाद भी जो है लोग फिर पॉजिटिव पाए जाते हैं। ऐसा ही जो है मामला जनपद हापुड़ का है, जहां पर जो है अपर जिला मजिस्ट्रेट जयनाथ सिंह यादव जो है पहले जो है दो बार डोज ले चुके हैं, उसके बावजूद रविवार को जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि डीएम अनुज सिंह ने भी जो है अपना कोरोना वैक्सीन लगवाई है और उसके बाद जो है वो नेगेटिव आए हैं। हाल फिलहाल ये कि कलेक्ट्रेट जो है बंद कर दी गई है और इसमें कहीं ना कहीं ये है कि वैक्सीन से लाभ क्या हो रहा है, जब दो बार डोज ले ली उसके बावजूद भी जो है पॉजिटिव हो रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक तरीके से एक मैसेज जो है सरकार की जा रहा है कि जो है वैक्सीन कोई काम ही नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है कहीं ना कहीं वैक्सीन से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, इस तरीके से आम लोगों में एक मैसेज ये जा रहा है। लेकिन अमजद, ये मैसेज जा रहा है और अब अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, बार बार क्यों ऐसा हो रहा है, वैक्सीन लगवाने के बाद वो बार बार कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, क्या जो एहतियात है उन्होंने बरते नहीं है, क्या जो गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की है, कहां पर कमी रही? हालांकि अधिकारी जो है जनपद स्तरीय जितने भी अधिकारी हैं सभी जो है बहुत अपने आप में जो है बराबर जो है इसका ख्याल रख रहे हैं और जो है अपने आप में कोई दूरी भी बनाए रखते हैं। जो ऑफिस में बैठने वाले अधिकारी हैं वो बराबर जो है लोगों से दूरियां बनाए रखे हैं और फिर भी जो है लगातार अधिकारी सभी जो है कोरोना वैक्सीन की डोज ले रहे हैं और उसके बावजूद जो पॉजिटिव निकलना, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है वैक्सीन का काम ही नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की कांग्रेस में शामिल हुए हैं सपा के कद्दावर नेता फाकिर सिद्दीकी। फाकिर सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हुए हैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, साथियों के साथ। फाकिर ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है, कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर वो पार्टी में शामिल हुए हैं ऐसा उनका कहना है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने उनको सदस्यता दिलाई पार्टी की, करीब 10 सालों से समाजवादी पार्टी में फाकिर सिद्दीकी ने अपनी सेवाएं दी पार्टी को, लेकिन अब वो कांग्रेस के हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है अपने समर्थकों के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, यूपी में राजनीतिक पार्टियों के लिए पंचायत चुनाव सेमीफाइनल की तरह है। इस चुनाव को जीतने से ही पार्टियों को 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूती का पता चल सकेगा और यही वजह है कि हर पार्टी पूरी तरह से पंचायत चुनाव में फोकस कर रही है। बिजनौर जिले में एसपी आरएलडी का गठबंधन हुआ है, एसपी और आरएलडी दोनों दल मिलकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जिले की कुल 56 सीटों पर लड़ेंगे। वहीं इस गठबंधन के बाद सपा ने 41 सीटों पर और आरएलडी ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। जिले की बाकी बची 4 सीटों को फ्री छोड़ दिया गया है। इन सभी 4 सीटों पर किसान यूनियन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सम्मानित मेरे पत्रकार बंधु, सम्मानित राष्ट्रीय लोकदल एवं समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, आज प्रेस समाजवादी पार्टी कार्यालय पर करने का बुलाने का उद्देश्य आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में ये संदेश देने का है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने आपस की मित्रता के लिए और यहां से कम्युनल फोर्सेस को जनपद से उखाड़ फेंकने के लिए दोस्ती की कदम दोस्ती में अपना हाथ मिला लिया है। तो एसपी आरएलडी का गठबंधन हुआ है, बिजनौर में दोनों दल मिलकर 56 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे और एसपी 41 और आरएलडी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि चुनाव से पहले आपने देखा होगा गठबंधन होते हैं पार्टियों में,
लेकिन वो गठबंधन कितने सफल होते हैं, जिस मकसद से उन गठबंधनों को किया जाता है, क्या वाकई में पार्टियां इतनी मजबूत हो पाती हैं, उसके बाद जिन जिन पार्टियों के बीच में गठबंधन होता है, ये अपने आप में एक सवाल होता है। लेकिन चुनाव से पहले आपको अमूमन अक्सर ऐसे गठबंधन पार्टियों के नज़र आएंगे। यही बिजनौर में भी हुआ है, जहां पर SP और RLD का एक गठबंधन बिजनौर में हुआ। दोनों दलों ने तय किया है कि 56 सीटों पर अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 41 सीटें समाजवादी पार्टी और इसके अलावा RLD बाकी सीटों पर, और 4 जो सीटें हैं वो किसान यूनियन के उम्मीदवारों के लिए छोड़ी गई हैं, वो उस पर चुनाव लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां बहुत तेज है पंचायत चुनाव को लेकर, और सेमीफाइनल भी 2022 का इसे माना जा रहा है। और इससे पहले सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि कितना जनाधार उनका बढ़ा है, कितना घटा है, और इसीलिए अब ये एक्सपेरिमेंट भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। खबर जालौन से, जहां पर सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। अभिषेक मिश्रा ने कहा कि सरकार ने आम जनता को सिर्फ धोखा देने और छलने के सिवा कुछ नहीं किया है। मुख्तार अंसारी के यूपी लाने पर बोलते हुए कहा कि यूपी में कुछ लोगों के तय कर लेने से ही गाड़ियां पलट जाती हैं, इस बात की सुबगाहट पूरे प्रदेश में है। बेरोजगारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर सपा की बहुमत के साथ सरकार आई तो पहले साल में लाखों बेरोजगारों को सबसे पहले रोजगार दिया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।